एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कुर्ती साड़ी एंड ज्वेलरी हॉल। एंड मैंने ये सब चीज़ें परचेज की है सिमसिम ऐप से। मैंने बहुत ट्राई किया कि आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक भी हो, जिनके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूनिक हो, विद अफोर्डेबल प्राइस में हो। तो काफ़ी सारा ढूंढने के बाद, काफ़ी ढूंढा तब जाके मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट की है। आई होप आपको चॉइस अच्छी लगेगी। एंड सिमसिम ऐप जो है एक वीडियो लाइव ऐप है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं वीडियो देखकर। यानी कि आपको इस ऐप में इमेज देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे कि आपके लिए शॉपिंग करना इजी भी हो जाएगा, आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा और ऐसा लगेगा कि आप इस कोरोना के टाइम में लोकल मार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आपका शॉपिंग का यहाँ पे, विद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। एंड अगर आप मेरा जो कूपन कोड है वो यूज़ करते हैं तो आपको इससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड सिमसिम ऐप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। एंड मैं प्राइस स्क्रीन पर डाल दूंगी कि आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये कितने का पड़ा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है गिव अवे की। तो अगर आपने पार्टिसिपेट करना है आपको तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं किसी भी वीडियो में गिव अवे अनाउंस कर सकती हूँ। एंड ये जो कुर्ती मैंने पहन रखी है अभी, तो ये मैंने परचेज की है सिमसिम से ही। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट कुर्ती मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी है, रेड कलर में मिलेगी। और इनकी जो सिमसिम ऐप की जो डिलीवरी है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। मेरे तो मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे तो 3 से 4 डेज या 5-6 डेज में डिलीवर हो गया था, बाकी बहुत जल्दी ये डिलीवर कर देते हैं। रेड कलर में आपको पूरे जिगजैग प्रिंट में स्ट्रेट कुर्ती मिलेगी एंड बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस तरीके की कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है पहनने के बाद। तो वो पूरी कुर्ती आपको इस तरह की मिलने वाली है। ये क्रेप फैब्रिक में मिलेगी एंड इसमें आपको आगे ये जो नेक दी हुई है, आगे का जो पार्ट दिया हुआ है गले का, ये आपको ऐसे चौकोर शेप में मिल जाएगा, स्क्वायर शेप में। एंड 3/4 इसमें स्लीव्स हैं, बेल स्लीव्स आपको मिल जाएगी। पहले तो आप इसका कलर देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, विद इस पे जो व्हाइट कलर से जिगजैग प्रिंट किया गया है बहुत अमेजिंग लग रहा है। स्ट्रेट कुर्ती मिलेगी पहनने के बाद व्हाइट प्लाजो के साथ, बहुत अच्छा लुक आने वाला है। विद आप इसे पेयर अप कर सकते हो किसी दुपट्टे के साथ, जीन्स के साथ, फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स बहुत अच्छी है। अगर आप आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हो उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, क्लासी है। तो इस तरीके की आपको ये कुर्ती मिल जाएगी। इसमें जो मैंने साइज़ परचेज किया है वो है स्मॉल साइज़, और आपको इसमें स्मॉल से लेकर सारे साइज सिमसिम पे मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो। कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है फ्रॉम दी ब्रांड गुलमोहर, और गुलमोहर की क्वालिटी मुझे आप सबको बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अमेजिंग आती है। ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है ये भी गुलमोहर से है। एंड ये एक बेबी पिंक कलर की बंदेज में जो आता है उसमें कुर्ती मिल जाएगी, और देख सकते हो आप इस एंड आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये बंदेज की कुर्ती है। इसमें कॉटन की कुर्ती है पूरी, और इस तरीके की आपको ये फ्लेयर वाली कुर्ती मिल जाएगी। प्रिंट देख सकते हो आप कितना प्यारा है। एंड फॉर समर्स में भी इस तरीके की कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल रहेगी पहनने के बाद। एंड इस तरीके की आपको कुर्ती मिलेगी, राउंड नेक है, यहाँ पे इन्होंने बटन्स दे रखे हैं, विद यहाँ पे गोटा लगाया हुआ है सिल्वर वाला, डिटेलिंग की गई है नेक पे जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। बटन है जो सारे खुलते हैं और राउंड नेक मिल जाएगी, 3/4 स्लीव्स है, और इस तरीके का आपको फ्लेयर देखने को मिल जाएगा। ये एंकल लेंथ में कुर्ती है एंड आप इसके नीचे पहनना चाहो लेगिंग वगैरह के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हो। एंड विद हैंडबैग, विद क्लच, काफ़ी अमेजिंग लुक आने वाला है, बहुत बहुत सुंदर लगेगी कुर्ती पहनने के बाद। डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। इसमें भी मैंने साइज जो है स्मॉल परचेज किया है, सारे साइज आपको मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकअप कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्यूट से इयर रिंग्स है, और बहुत अमेजिंग है पार्टी वियर इयर रिंग्स है, और काफ़ी अच्छे हैं। मैं खोल के बताती हूँ आपको, क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, विद इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इस तरीके का आपको ये वाले इयर रिंग मिल जाएंगे,
कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे आपको इस तरीके का मतलब सिल्वर मिल जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सी ग्रीन टाइप में है एंड नीचे की साइड वाला आपको सिल्वर मिलेगा। तो बहुत सुंदर है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है एंड विद डिजाइनर ईयर रिंग से इस तरीके की ईयर रिंग बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एनी कुर्ती के साथ आप पेयर अप कर सकते हो या फिर साड़ी वगैरह के साथ भी काफी अच्छे लगते हैं, वेस्टर्न वियर के साथ भी काफी अच्छे लगते हैं। तो बहुत अमेजिंग क्वालिटी है इन अफोर्डेबल प्राइस, तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो ये वाले ईयर रिंग। अब जो नेक्स्ट कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। इस तरीके का आपको इसमें प्रिंट देखने को मिल जाएगा, ये सारे प्रिंट है जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड अच्छे लगते हैं। इस तरीके के प्रिंट पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आया। इसमें इस तरीके का जो है ये कैटलॉग भी निकला है इस तरीके का। तो ये वाली कुर्ती आपको पूरी रेयॉन फैब्रिक में मिल जाएगी, स्ट्रेट कुर्ती है एंड आप इसका प्रिंट देखो पहले कितना प्यारा है। ये पूरी आपको जो है पिंक ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेगी विद ब्लू कलर से। इस पे जो है ये डिजाइन किया हुआ है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। 3/4 इसमें बेल स्लीव्स दी हुई है, इस तरीके की बेल स्लीव्स मिल जाएगी। आप इसे पेयर अप कर सकते हो ब्लैक प्लाजो के साथ, व्हाइट प्लाजो के साथ, बहुत ज्यादा अमेजिंग लुक आने वाला है एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती है पहनने के बाद। मुझे इस टाइप की कुर्तियां बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि काफी कंफर्टेबल रहती है और डिजाइन भी काफी अच्छे मिल जाते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस। तो इस तरीके की आपको ये वाली कुर्ती मिल जाएगी। इसमें भी जो मैंने साइज परचेज किया है वो है मीडियम, आपको इसमें स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल एक्सएल तक के सारे साइज मिल जाएंगे। तो आप नेक्स्ट कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है फ्रॉम दी ब्रांड गुलमोहर। और मुझे ये वाली जब मैंने कुर्ती परचेज की यहाँ से मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने गुलमोहर की दो और कुर्तियाँ परचेज की, एक तो वो बेबी पिंक वाली और एक ये वाली कुर्ती और परचेज की है ब्लू कलर में, क्योंकि मेरे पास एक तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा कम भी थे एंड दोनों डिफरेंट लग रहा है यार, ये रॉयल ब्लू है ये नेवी ब्लू है, तो फिर मैंने ये वाली कुर्ती परचेज की क्योंकि मुझे जो है इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये भी एक फ्लेयर कुर्ता है कॉटन फैब्रिक में, इस तरीके की कुर्ती मिल जाएगी आपको। आप प्रिंट देख सकते हो पूरा, ये जो ये रॉयल ब्लू के ऊपर व्हाइट प्रिंट किया हुआ है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। प्रिंट भी जो है काफी ज्यादा यूनिक है एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल साइज। अगर आपको थोड़ा लगता है कि धोने के बाद ये वॉश करने के बाद श्रिंक हो जाता है कॉटन फैब्रिक, तो आप अपने से एक को बड़ा साइज परचेज कर सकते हो। बाकी मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि स्मॉल साइज भी मेरे थोड़ा सा लूज रहता है, अगर थोड़ा भी श्रिंक होता है तो मेरे वो चल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख लो पहले एंड फिर परचेज करो। तो इसमें जो है राउंड नेक मिल जाएगी, 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएंगे, पूरा फ्लेयर वाला कुर्ता है। आप देख सकते हो कितना प्यारा कुर्ता है, प्रिंट बहुत अच्छा है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक साड़ी एंड बहुत प्यारी साड़ी है, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है सिल्क में साड़ियाँ एंड भी अफोर्डेबल प्राइस में है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी। कलर कॉम्बिनेशन मुझे इसके बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, तो मैंने सोचा परचेज करके देखते हैं कैसी आती है। बाकी आई बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसे खोल के बताती हूँ, ये इन्होंने इसमें ब्लैक कलर का ब्लाउज दिया है। ये पूरी साड़ी है जो पिंक और जो मर्जेंटा कलर होता है और जो ब्लैक कलर होता है उसके कॉम्बिनेशन में पूरी साड़ी मिलेगी, पूरी पार्टी वेयर साड़ी है इन अफोर्डेबल प्राइस। तो ये आपको ब्लैक इसमें ब्लाउज मिल जाएगा, यहाँ से ये वाली साड़ी स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये बॉर्डर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिया हुआ है बॉर्डर भी एंड इस तरीके के आपको बूटे देखने को मिल जाएंगे। नीचे की साइड वाला बॉर्डर आपको इतना ब्रॉड मिल जाएगा, तो इस तरीके की आपको ये बहुत ही प्यारी सी सिल्क की साड़ी मिलने वाली है एंड बहुत अमेजिंग लगेगी पहनने के बाद। अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो छोटे मोटे फंक्शन में पहनते हो, उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइस। कलर अच्छा लग रहा है मुझे और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मुझे परचेज कर ली मैंने मेरी मॉम के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी भी लग रही थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकली है। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी, पूरी 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिलेगी विद 80 या 90 सेंटीमीटर का आपको पूरा ब्लाउज मिलने वाला है जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा एंड ये इन्होंने इसका आंचल दिया हुआ है। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इनमें से सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, बिकॉज मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपकी क्या चॉइस है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है आज के हॉल में से।
तो इस तरीके की आपको एक नेक्स्ट साड़ी मिल जाएगी। हाँ, और कोई वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, सिमसिम से देखना चाहते हो या फिर कहीं से भी, तो डेफिनेटली कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगी आपके साथ वो वीडियो शेयर करने का। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है एंड अमेजिंग है। इसमें मुझे शायद तो स्मॉल साइज मिला नहीं था, तो मैंने इसमें मीडियम साइज परचेज किया है। पैकेजिंग सभी की बहुत अच्छी आती है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है एंड पहनने के बाद तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती है। तो ये एक अलाइन कुर्ता है, फ्लेयर वाला, इस तरीके की कुर्ती मिल जाएगी रेयॉन फैब्रिक में। एक मिनट, फ्लेयर वाली नहीं, अलाइन कुर्ती है ये एंड आप देख सकते हो इसमें चेक्स वाला जो प्रिंट किया हुआ है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले आप कलर देखो इसका, कितना ज़्यादा ब्राइट कलर है एंड अच्छे लगते हैं इस तरीके के कलर पहनने के बाद। एंड मोस्टली इस तरीके के जो प्रिंट्स होते हैं वो किसी के पास नहीं मिलते हैं, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा। एंड आप चेक्स वाला डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये पूरी अलाइन कुर्ती है और रेयॉन फैब्रिक में, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी पहनने के बाद। इसमें आपको मैंड्रेन नेट मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो है बटन्स लगाए हुए हैं, गोल्डन बटन्स है विद स्टोन, और ये बटन खुलते नहीं है, ओनली इन्होंने शो के लिए इसमें लगाए हुए हैं और तीन बटन इसमें लगे हुए हैं। और यहाँ पे 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएंगी। अच्छी कुर्ती है, एंकल लेंथ में आपको पूरी अलाइन कुर्ती मिलेगी। पेयर अप कर सकते हो ब्लैक प्लाजो के साथ, ब्लैक पैंट के साथ, व्हाइट के साथ काफ़ी अच्छे से जाएगी। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, ये वाला नेकलेस मैंने परचेज किया है, सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही थी। ये आपको ओनली जो है नेकलेस मिलेगा, इयर रिंग्स इसमें नहीं मिलेंगे एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्यूट टाइप का है, पहनने के बाद बहुत अमेजिंग सा लुक आता है। तो मुझे इस टाइप की जो ज्वेलरी है बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी होती है। विद आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, वेस्टर्न वियर के साथ भी बहुत अच्छे से जाती है, एथनिक वियर के साथ भी बहुत अच्छे से जाती है। तो इसलिए मैंने ये वाला नेकलेस परचेज किया है, एडजस्टेबल नेकलेस है, इयर रिंग्स नहीं मिलेंगे, विदाउट इयर रिंग मिलेगा, बट क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग बार बार में बोल रहे थे कि मैम रिंग्स दिखाओ, रिंग दिखाओ, तो आजकल आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये नेम वाली रिंग, है ना, इस तरीके की। तो इस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है नखरे वाली कुछ ऐसा, तो काफ़ी ज़्यादा है ना, आपको यहाँ पे कोट देखने को मिल जाएंगे सिमसिम पे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर सकते हो। बहुत सारे चल रहे हैं यार आजकल, तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है ये इस टाइप की। एंड ये एडजस्टेबल रिंग है सिल्वर एंड इसके साथ मुझे मिले हैं ये दो इयर रिंग्स, पूरा जो है कॉम्बो आएगा आपको, ये सेट मिलेगा। इयर रिंग्स आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, वो ही सेम कोट लिखा हुआ है इयर रिंग्स पे भी, विद रिंग इस तरीके की मिल जाएगी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है, डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारे डिजाइंस आपको मिल जाएंगे और पहनने के बाद ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है, बहुत अमेजिंग सा लुक आता है। तो इस तरीके की मैंने ये नेक्स्ट चीज परचेज की है। अब जो लास्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक साड़ी एंड ये साड़ी मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो मैंने ये वाली परचेज की है। इसमें शायद कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे सिमसिम पे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट करना। मेरी मॉम के पास ये ग्रीन और जो ये ब्लू है इस कलर का नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर परचेज किया, क्योंकि कलर जो कॉम्बिनेशन है इसका वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। पहनने के बाद तो ऑब्वियसली इस तरीके की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये इस तरीके की आपको ये साड़ी मिल जाएगी। ये इन्होंने इसमें ब्लाउज दिया है नेवी ब्लू कलर का, डार्क एंड नेवी ब्लू नहीं है, ये रॉयल ब्लू बोल सकते हो, नेवी ब्लू ये कलर है, रॉयल ब्लू कलर का है, रॉयल ब्लू एंड ग्रीन कलर में मिक्स साड़ी है ये वाली। एंड ये ब्लाउज है 80 सेंटीमीटर का, जिसमें आपको बॉर्डर मिल जाएगा जो कि आपके स्लीव्स पे आएगा। बाकी पूरी बंदेज की साड़ी है जो यहाँ से स्टार्ट होती है, और कितनी प्यारी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है, बहुत अमेजिंग है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। नीचे की साइड ये वाला बॉर्डर मिल जाएगा आपको एंड पूरी आप साड़ी देख सकते हो, दो कलर में मिक्स में आपको साड़ी मिलेगी। थोड़ा थोड़ा सिल्की टाइप का फैब्रिक है जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा पहनने के बाद एंड इसे आप पेयर अप कर सकते हो एक डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ, जिससे कि लुक काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। बंदेज का जो फैब्रिक, बंदेज का जो प्रिंट होता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद और बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके की सभी कलर्स में आपके पास साड़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ओकेज़न होते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग पहनते हैं, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके की आपको ये पूरी 5.5 मीटर की साड़ी मिल जाएगी एंड एज इट इज़ साड़ी है, जैसा इन्होंने इसमें
आंचल और मतलब साड़ी स्टार्टिंग से एंड तक आपको सेम मिलेगी। होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आया होगा। कौन सा आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गिव अवे आने वाला है, फिर आपको पता नहीं चलेगा और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।